इस समय की अहम खबर तुम दस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, सरेंडर कर दिया गया अरविंद केजरीवाल के वालों। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल 2 जून यानी कि अज जेल के वापस जाना ही सी। हालांकि उन्हें अदालत के सामने अर्जी जरूर लगाई थी कि उन्होंने राहत दी जाए 7 दिन की होर, पर वो राहत तो नहीं मिली। फिर इसका मतलब सीधा सी कि अरविंद केजरीवाल आदेश के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 जून एतवार को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिता है और तिहाड़ जेल सरेंडर करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे। तिहाड़ जेल उन्होंने सरेंडर कर दिता है। अरविंद केजरीवाल ये जरूर जिक्र करते नजर आए जो वो करीब 20-22 दिन बाहर रहे प्रचार करते दिखे, तो उस समय बीजेपी केंद्र की सरकार खूब निशाने के उत्ते रही, भारतीय जनता पार्टी निशाने के उत्ते रही और यही जिक्र उन्होंने वालों किया गया कि जेकर दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं संविधान को खतरा है। हूँ इस मुद्दे उत्ते कितना लोगों का साथ मिले वो जल्दी क्लीयर हो जाएगा। हूँ तो समा बहुत घट है, तुम कह सकते हो 40-42 घंटे ही बाकी ने जो चोण नतीजे सारे साडे सामने होंगे, तो उस समय की कुछ दावे वादे बयान या फिर एक जो नैरेटिव सैट करने की कोशिश होंगी है वक्त पार्टियों का, चाहे बीजेपी की कोशिश सी या फिर जे आम आदमी पार्टी ने उन्हों की कोशिश सी, तो वह कि कामयाब हुए ने वो देखना होगा। विनेश कटारिया साढ़े सहयोगी फोनलाइन से साढ़े नाल ने। विनेश की कुछ जानकारी तुहाडे कोल? गौरव, जिहड़ा अरविंद केजरीवाल ने आज सरेंडर करना सीगा ते हुण तो कुछ मिनट पहला ही तिहाड़ जेल दे एक नंबर गेट तो उन्होंने सरेंडर करता है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जिहड़ी वापसी है तिहाड़ जेल विच हो चुकी है। ते इस तो पहला जिहड़ा आपां देखिया भी सारा जिहड़ा स्केड्यूल सीगा उन्हां दा, आपदे घरों निकल के पहला राजघाट गए, फिर हनुमान टैंपल गए, फिर उस तो बाद जिहड़े आपदे सारे वर्करां नूं MP MLAs नूं आम आदमी पार्टी दे दफ्तर विच संबोधित किया, उस तो बाद उत्थों सीधा वह रवाना होए सीगे तिहाड़ जेल लई। ते हुण तिहाड़ जेल दे गेट नंबर एक तो उन्होंने सरेंडर करता है। इस दिन में अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे इंडिया गठबंधन के लिए, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों के लिए कैंपेन किया। क्यों? क्योंकि ये चुनाव आम आदमी पार्टी का नहीं था, ये चुनाव किसी एक पार्टी का नहीं था, ये चुनाव देश के लोकतंत्र और देश की तानाशाही, देश के लोकतंत्र को बचाने का और तानाशाही के खिलाफ लड़ने का चुनाव था। और जैसे हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने निर्धारित तारीख पर तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। पर मैम, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाज कंटीन्यूअसली सेइंग दैट यू हैव अप्लाइड फॉर इंटरिम बेल व्हिच इज जस्ट अ टैक्टिक फॉर अ ऑब्लिक मोटिव। हाउ डू यू रिस्पोंड? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब से अरेस्ट हुए, पहले ईडी की कस्टडी में थे, फिर तिहाड़ की कस्टडी में थे, उनका वजन 6 किलो घटा है। घर में रहने के बावजूद उनका वजन बढ़ा नहीं है। वजन का अनएक्सप्लेन्ड तौर पे और इतनी जल्दी घटना बहुत गंभीर बीमारियों का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें कैंसर भी शामिल है, जिसमें किडनी डिजीज़ भी शामिल है, जिसमें हार्ट डिजीज़ भी शामिल है। लेकिन अभी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया है, तो हम सुरक्षित फैसले का इंतज़ार करवाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के टेस्ट होने ज़रूरी हैं। मैं तो ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शरद रेड्डी को बैक पेन के लिए परमानेंट बेल दे देती है, राघव मगुंटा रेड्डी को परमानेंट बेल दे देती है, अरविंद केजरीवाल के 5 दिन के टेस्ट के लिए उनको बेल देने में क्या आपत्ति है? लेकिन ये देश की तानाशाही है, हमें पता है। ईडी वालों को कुछ पता ही नहीं है, उनका एक जो कार्डियक टेस्ट होना है होल्टर टेस्ट, उसमें तो 72 घंटे के लिए पूरा हार्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, 72 घंटे ही चलते हैं वो टेस्ट। देखिए क्या है, ये देश की तानाशाही है। जी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसी के अनुसार माननीय सीएम ने अभी सरेंडर किया है, जो समय और तिथि थी। और पहले राजघाट गए, वहाँ श्रद्धांजलि दी राष्ट्रपिता को, बजरंग बली का आशीर्वाद लिया, सभी कार्यकर्ताओं से, MLA से, मिनिस्टर से मुलाकात की और फिर यहाँ अभी सरेंडर किया है। और सीएम साहब का एक ही कहना था कि मेरी चिंता नहीं करना है, लेकिन दिल्ली वासियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और उनकी पूरी मन से शिद्दत से सेवा करते रहना है। अरविंद केजरीवाल के वालों सरेंडर कर दिता गया है। इस सब अरविंद केजरीवाल जो सरेंडर करने के लिए निकले, तो उस तो बाद पहला राजघाट तो बाद हनुमान मंदिर तो बाद उन्होंने अपने पार्टी वर्करों को संबोधन किया। और इस संबोधन के जिक्र सी VVPAT का, इस जिक्र सी EVM का, नतीजे वाले दिन का,
बीजेपी से एक बार फिर तो वरते हुए नजर आ रहे हैं और जेल दे विच क्यों ने इसको लेके भी वह जिक्र करते नजर आए। सुनवाने तुहानू अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर तो पहला की कुछ किया। चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी, 21 दिन कल पूरे हुए, अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं। ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है, मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया, रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया, बंबई भी गया, भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, पंजाब भी गया, जमशेदपुर भी गया, जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी सेकेंडरी है। मेरे से लिखवा लो सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, एक राउंड में, दो राउंड में, तीन राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं, उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं, उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं, फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा, तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे बाकी।